17th लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट भी आ गया और अब फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नियुक्त हो गए। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अग्रज, अनुज, अग्रजा, अनुजा, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 2019 के न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स की सूची आप सब तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ये करेंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ऑलराइट, तो कृपया करके इसे पूरा देखिए और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको कुछ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इन सब के लिए जिम्मेवार है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 यह कहता है कि प्रेसिडेंट के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, जिनका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि प्रेसिडेंट को अपने जिम्मेवारी को वहन करने में सहायक होंगे। प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बाकी सारे मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इन सभी मिनिस्टर्स को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है बेसिकली तीन कैटेगरी को कंटेन करता है। तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ये कौन कौन से होते हैं आपको मैं बता दूं, तो ये होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। दूसरा है स्टेट मिनिस्टर्स और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ऑलराइट, अब क्या होता है, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट आर द रियल पॉलिसी मेकर। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो रियल पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो ये शब्द है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ये शब्द 44वें संशोधन 44th संविधान के संशोधन के अनुसार लाया गया था। इसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो या तो ऑफिस को इंडिपेंडेंट तरीके से लेंगे या फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, इनफैक्ट उनके कार्यवहन में असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, उनको बताते हैं या उन्हें सहयोग करते हैं। ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उन स्टेट मिनिस्टर्स को चार्ज दे सकता है डायरेक्टली काम करने के लिए, अगर उसे जरूरत पड़ी तो। ये सारे प्रावधान हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन दोनों की सैलरी समान होती है। ऑलराइट, अब तीसरा जो वर्ग है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उनकी सैलरी उनसे कम होती है। ऑलराइट, अब हम फाइनली चलते हैं आपके लिस्ट पे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं और किन नेताओं को कौन सी कुर्सी मिली है। इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री एज यूजुअल नरेंद्र मोदी दास, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राइट। और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स किन्हें क्या मिला है, श्री राजनाथ सिंह को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनका पदवी पहले के अपेक्षा अब चेंज किया गया है, अब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला है, जहां पहले निर्मला सीतारमन जी थी। दूसरे हैं अमित शाह, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्हें मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो गृह मंत्री हो चुके हैं श्री अमित शाह जी। इसके बाद श्री नितिन जयराम गडकरी, जिन्हें शॉर्टकट में नितिन गडकरी भी कह दिया जाता है, उन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके बाद श्री डीवी सदानंद गौड़ा, को मिला है मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद श्री निर्मला सीतारमन, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अब उन्हें बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ऑलराइट, यहाँ पे पहले अरुण जेटली जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे और अब उन्होंने मना किया है कि मेरी हेल्थ की वजह से मैं ये कार्यभार संभाल नहीं सकता। वहीं सुषमा स्वराज, जो
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, उन्होंने भी यही कहा है और वो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ी। और आज तक उनका रिकॉर्ड है, सुषमा स्वराज अपने जीवन के इतिहास में कभी भी कोई चुनाव हारी नहीं है, सारी चुनाव जीती हैं। शी इज अ ग्रेट लीडर और मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। श्री निर्मला सीतारमन को मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके बाद श्री रामविलास पासवान, जिन्हें हर बार मिनिस्ट्री मिलती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या फिर भाजपा की, लेकिन उनको मिनिस्ट्री मिल जाती है बिकॉज ही इज सच अ पर्सन, वो सबके साथ विलय कर लेते हैं। श्री रामविलास पासवान को मिला है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद श्री नागेंद्र सिंह तोमर, उन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, श्री नरेंद्र सिंह तोमर को। इसके बाद श्री रविशंकर प्रसाद, आप जानते होंगे, ये इन्होंने पटना से इस बार शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा और जीता, जिन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ठीक है ना, वो लॉ ग्रेजुएट हैं। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद श्री हरसिमरत कौर बादल को मिला है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देन इट कम्स श्री थावर चंद गहलोत, इन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री थावर चंद गहलोत को मिला है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देन इट कम्स डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मिला है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहां पे पहले सुषमा स्वराज जी थी। नाउ इट कम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम स्टूडेंट्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये पदवी मिली है श्री रमेश पोखरियाल निशांक को, श्री रमेश पोखरियाल निशांक को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिला है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, पहले मतलब मेरा मतलब पहला का मतलब फर्स्ट से नहीं है, मतलब विगत वर्षों में ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देन इट कम्स मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा को मिला है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देन इट कम्स स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि इस बार राहुल गांधी को मात दी अच्छे खासे वोट से, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। इनफैक्ट श्री स्मृति जुबिन ईरानी को मिला है मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पहले मेनका गांधी का था ये मंत्रालय, एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, वो पहले भी थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। स्मृति जुबिन ईरानी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिल चुका है। अब आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ते हैं, इन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। इसके बाद श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन अब इन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, देन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला है प्रकाश जावड़ेकर जी को। नाउ श्री पीयूष गोयल, पहले वाला मंत्रालय इन्हें मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये पहले भी रेल मंत्री थे, एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काफ़ी अच्छे दक्ष निपुण और अच्छे पढ़े लिखे हैं श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील मिला है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। देन इट कम्स प्रहलाद जोशी, इन्हें मिला है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, श्री प्रहलाद जोशी। देन इट कम्स डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मिला है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, सो दिस वॉज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, और इसको याद कर लीजिए फटाफट, 2 से 3 बार अगर वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, आपने कल ये शो देखा भी होगा जब इनका सभी का शपथ ग्रहण हो रहा था कल शाम को। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, किसी भी तरीके से अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा लीजिए या जहाँ कहीं से फेसबुक या फिर और भी कोई माध्यम जो होता है, इनफैक्ट
मैसेंजर कैसे भी, जिस भी तरीके से आप कर सके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जान सके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछे जाते हैं इनफैक्ट बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महामना एजुकेशन हब आप सभी के लिए हमेशा नए अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग और बाकी चीजें भी लाता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।